वैलेंटाइन डे टू ऑल ऑफ यू। आज है वैलेंटाइन डे, आज है संडे, और आप लोग क्या कर रहे हो आज के दिन बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। मॉर्निंग से तो मैं बिजी थी कामों में, और लेकिन मैंने सोचा था कि शाम को अच्छे से घर को तैयार करूंगी। बेडशीट वगैरह जो है, ये आप जो देख रहे हैं ये बेडशीट वगैरह अभी मैं चेंज करने वाली हूँ, लाइटिंग वगैरह अच्छी करने वाली हूँ, कैंडल जलाने वाली हूँ, और बालकनी को भी अच्छे से डेकोरेट करने वाली हूँ। बैलून्स वगैरह भी फुलाने का प्लान है मेरा। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें थी जो ऑनलाइन मंगाई थी अमेज़ॉन से, कुछ हार्ट शेप वाले बैलून वगैरह, तो वो मैं सोच रही हूँ सब प्रिपेयर करती हूँ। घर को थोड़ा सजाते हैं, थोड़ी सी वाइब्स लाते हैं, कपड़े वगैरह भी चेंज करते हैं, और आज सेलिब्रेट करते हैं वैलेंटाइन डे। तो अभी मैं चेंज करने वाली हूँ बेडशीट, और बेडशीट मुझे याद आ रही है कि मैंने ना इस वाले बेड बॉक्स में इस तरफ रखी है, देखो उसके नीचे, इस ब्लैंकेट के नीचे, इस वाले ब्लैंकेट के नीचे, हाँ नहीं है, इस वाले ब्लैंकेट के नीचे, ये रही देखा। तो ये है वो बेडशीट जिसकी मैं बात कर रही थी, देखिए। इसी वजह से मैंने सोचा था इसे वैलेंटाइन डे पे बिछाऊंगी, है ना, अच्छा आइडिया था ना। हाँ। और उससे भी अच्छा आइडिया ये रहा कि एलेक्सा ने टाइम पे याद दिला दिया। हाँ, वरना हमारे तो दिमाग में भी नहीं थी। ये बेच रही हैं। क्या होता है ना, इस बहाने थोड़ा सा घर में चेंज आ जाता है, थोड़ी सी हैप्पीनेस आ जाती है। हाँ। और हैप्पीनेस आने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए। यस। दुख का क्या है, वो तो बिन बुलाए आ जाते हैं। हाँ। लेकिन खुशी बुलाने से आती है। हाँ, ध्यान रखिएगा। Set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my. जब भी कोई नई बेडशीट बिछाते हैं, बचपन से ना मैंने देखा है, और मैंने और बच्चों को भी देखा है, बच्चों को ना बड़ा शौक होता है नई बेडशीट पर तुरंत आके लेटने का। क्या आपके घर में भी ये शौक है तो मुझे बताना। पिट्टू दिख रहा है, ओए ये देखिए दिल गिरे पड़े हैं यहाँ पे। सही, मैंने बैलून फुलाने वाले को भी बुलाया। बैलून नहीं है ये, कितने सारे दिल फुला दिए। बैलून फुलाने वाले को बुलाया है मैंने अपने घर स्पेशल डेकोरेशन के लिए। अब मैं 1000 रुपए लूंगा तुमसे ये सारे दिल फुलाने के लिए। ओहो कितने सारे हैं, देखो जरा। जाने कहां मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी। ये एलोंगेटेड वाला दिल है, जिसका दिल लंबा हो जाता है। बड़ा नहीं होता, बड़ा नहीं लंबा। और देखो अभी एक और हम एक्सिस हम पूरा दिखाएंगे कि कैसे। रेडी, एक बार और ये फूला फूला तो यहाँ पे मैंने भी कपड़े चेंज कर लिए हैं, एक पिंक कलर का नाइट सूट पहना है। आज सुबह ये रोजेज में लाई थी, ये लो पानी। और पता है पानी इतना भी नहीं बन रहा था, थोड़ा सा नीचे कहाँ कम। आप देख रहे हो यहाँ पे, वो अच्छा वो रिफ्लेक्शन मार रहा है, मुझे ऐसा लगा यहाँ तक है, रिफ्लेक्शन मार रहा है, कितना अच्छा पकड़ना कशिश। हाँ हाँ, रिफ्लेक्शन मार रहा है कि यहाँ तक है। ये मैं ना ऐसे ही लगा रही हूँ, और ये मैं सारे के सारे रोजेस आज प्रशांत को देने वाली हूँ। देखो, एक मैं कशिश को भी दूंगी। मेरे लिए भी लाई हो? हाँ। वाओ तो अच्छे लग रहे हैं, रेड रेड वास में, रेड रेड फ्लावर्स। अरे वाह, क्या बात है, अच्छे लग रहे हैं ना ये रोज। पता है रोज गाइस कितने महंगे कर रखे हैं, मैंने आसपास जब पूछे तो पता है हर जगह रोज का प्राइस, एक रोज का प्राइस 50 रुपीज था। फिर मैं ये पता है कहाँ से लेकर आई हूँ, मैं एक जगह से लेकर आई हूँ जहाँ पर मुझे बहुत ही सही प्राइस में मिल गए हैं। मुझे मिला है आज, फिर भी महंगा है लेकिन इतना भी महंगा नहीं मिला, मैं 20 रुपीज में लेकर आई हूँ।
world's on fire. You set my world on fire. I don't know what I'd do without you. You make me smile. What is it that you do? क्या बात है, बड़ा पिंक पिंक हो रही हो, पिंक हो रखी हो तुम तो, ओहो कैंडल्स मंगाई गई हैं। मैंने बहुत अच्छी अच्छी शॉपिंग करी थी। हाँ वाह, फ्लावर शेप में कैंडल है ना, कितनी प्यारी। हाँ कितनी प्यारी सी शेप है ना रोज की। और इसकी खुशबू काश मैं टैल्कम पाउडर जैसी है, टैल्कम पाउडर होता है ना वैसी, बहुत अच्छी सी है, अच्छी फ्रेग्रेंस है, स्मेल बड़ी रोज वाली है, बहुत अच्छी। ये नहीं, ओ ये वाला रोज वाला भी नहीं, पिलर केक लग रहा है, खा ले। देखो पास से बहुत ही प्यारी है ये वाली कैंडल्स, बहुत डिटेल है। Like the moon is the snow, we don't care about the others. You set my world on fire. I just wanna love you, just wanna hold you, just ले कशिश, ये पकड़, अमीन ये देख, wanna be with you till we grow old. ये क्या हुआ है? दिल बाहर आ गया। दिल बहुत गिरा हुआ है, गिरता हुआ दिल। लाल रंग के बहुत कम फुलाए, देखो दो नीचे गिरे पड़े दिल, दो दिल नीचे भी हैं। My heart is calling. My heart is calling. ओहो क्या बात है, देखो सबसे लाइट चमक रही है। कौन कहता है डेकोरेशन वाले को बुलाने की जरूरत है, जब प्रशांत है साथ में तो। इससे पहले कि दिल फूट जाए, इससे पहले कि दिल गिर जाए, इससे पहले दिल टूट जाए, तो सेलिब्रेट कर लेते हैं। मैं लगाऊंगी। तू गिर जाएगी। मैं लगाऊंगी। तू उसके ऊपर कैसे लगाएगी? मैं मेरे टीवी के ऊपर मत गिरियो। हाँ बेटा तेरा गिरना तो हम अफोर्ड कर लेंगे, टीवी नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। आए मेरे बच्चा, कितनी भारी हो गया मैं। देखो मैं क्या लेकर आई। ओ वाओ, आपके लिए और कशिश के लिए मैं केक लेकर आई आज। थैंक यू, दिखाओ। सो मच, वाओ कितना प्यारा लग रहा है। हाँ। पता है उसके पास आज बहुत सारे केक थे वैलेंटाइन के, ये फोंडेंट लग रहा है। हाँ, केक ये पाइनएप्पल वाला लाई हूँ मैं। पाइनएप्पल फोंडेंट केक। हाँ। तो पाइनएप्पल है इसके अंदर भरा हुआ था इसमें। तो ये हो गई हमारी वैलेंटाइन की डेकोरेशन। ये इन्होंने इतनी प्यारी डेकोरेशन करी है कि चार चांद लग गए। और ये हमारी बालकनी, तो अभी हम लोग सबसे पहले तो केक कटिंग करेंगे। मैं एक बार आपको लाइट बंद करके दिखाती हूँ लुक कैसा आ रहा है। As long as I've got you, I'm not letting it fade.
चलो चलो ये हैप्पी वैलेंटाइन्स डे। ये गरीबन था तो ये वैलेंटाइन का सेलिब्रेशन खाली प्रशांत के लिए या कशिश के लिए नहीं है, ये मेरे प्यारे प्यारे स्वीट सारे सब्सक्राइबर्स के लिए है जो मुझे इतने मन से देखते हैं, इतने स्वीट स्वीट कमेंट्स करते हैं मेरे वीडियो के नीचे, तो उन सभी के लिए हैप्पी वैलेंटाइन डे। अभी तो मैं ऐसे कर रही थी हैप्पी वैलेंटाइन डे और मैं पास में होता हूँ। सॉरी कोई बात नहीं, लाओ मैं तुम्हें थोड़ा सा मैं आपकी फोटो खींच लूँ, पहले मैं ही खिलाऊंगा। नाइफ से मत खिलाओ। अच्छा ये मैं फोटो खींच लूँ, आ जाओ खींच खींच। और ये जो हिस्सा है ना, ये वाला ये आप सभी के लिए मेरी तरफ से भी। बहुत टेस्टी है यार पाइनएप्पल, मैंने तुम्हें खिलाया ना। ये पाइनएप्पल केक अच्छा है। हाँ तो बहुत दिनों बाद सबसे बेसिक केक होता है, बहुत दिनों बाद खाया। रीमा ने सोचा भी नहीं था कि मतलब 250,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे और इतना आप लोग पसंद करेंगे, तो थैंक यू गाइस। लेकिन तुम्हें तो काटना नहीं आता। हाँ सॉरी, मुझे आता है, मुझे भी आता है, थोड़ा थोड़ा। ऐसे तू काट ले, नहीं तुम बहुत उल्टा गंदा काटती हो। आई विल नीमा को केक नहीं मम्मी को भी काटना है, मुझे लगता है बचपन में आता था। हाँ जब मैं छोटी थी। अब नहीं आता बिल्कुल भी, पता नहीं किस शेप में स्क्वायर काटती है। हाँ सर्कल केक में से स्क्वायर काटती है मम्मी। कशिश ये तेरे लिए या आपके लिए? नहीं नहीं डैडी के लिए। अच्छा सबको मिलेगा क्यों? उतना नहीं मिलेगा, खा लेंगे। केक कटेगा तब में बटेगा। हार्ट काटने का मन नहीं कर रहा। काटने पर इतना बड़ा केक नहीं खाऊंगी मैं। अब आ गई हैं हमारी ठंडी ठंडी ड्रिंक्स। एक है ब्लू पंच और दूसरा है रेड कलर का। हाँ क्या मजेदार लग रही है ब्लू पंच तो। और ये चीज फिंगर्स, ये तो मैं मॉर्निंग में लेकर आई हूँ। तो मॉर्निंग में लेंगे? हाँ डोनाल्ड से लेकर आई थी। ये बटर स्कॉच शेक है। ये आज सबने अपना अपना फेवरेट ड्रिंक लिया है। और ये मोहितो है। 1 2 3 चीयर्स। बहुत स्क्वीज हो जाते हैं हम लोग, लेकिन मजा हमको यहीं पे आता है, पता नहीं क्यों हमको यहीं पे मजा आता है अपनी बालकनी में। कुछ है, मैं तो खा रहा था। बहुत अच्छा है। फूल के साथ काटे भी हैं। वो तो ऑब्वियस है। और ये अच्छी बात रही, मैं इतना बड़ा बुके लेके आई तो मेरे लिए एक रोज भी नहीं लाए। अरे यार कोई बात नहीं, आज बहुत बिजी था मैं। कोई बात नहीं, वैसे आप इतना करते हो इसीलिए मैंने आज सोचा मैं करती हूँ। पत्तियों को पत्तियों को केचप में डुबो रही है ये लड़की। मुझे लग रहा है मैं इसकी जगह पत्तियां ना खा जाऊं, पालक के पकौड़े समझ के। मैं तो सबकी ड्रिंक पी रहा हूं जो मेरे सामने रखते हैं। क्या है? छोटा सा एक गिफ्ट है आपके लिए। वाह ये क्या है? ओ वाइफी, अरे ये तो तुम्हारे लिए है। अपने लिए भी ऑर्डर किया है साथ में। अच्छा अपने आपको भी गिफ्ट दे रहा था ना। कब है भाई? ये देखिए वाइफी का ही निकला पहले। हाँ मैं। और ये क्या होगा? पहला कप आया है वाइफी का जो मम्मी ने अपने लिए मंगाया है। और ये है हबी का। और ये हब्स का, हब्स लिखा है इस पे, हब्स लिखा है। हब्स कैसा लगा आपको? अच्छा है बहुत। दोनों का सेट है, कितना क्यूट है। हमने सोचा गिफ्ट के बहाने मेरा भी थोड़ा कुछ हो जाएगा। रोज सुबह हम जब चाय पीते हैं तो चारों को मग कलेक्ट कर देखते हैं कौन दूर से इन कैंडल्स को बुझा सकता है। आप बहुत पास हो, रेडी दूर हो, थोड़ा दूर हो। हाँ ऐसे
इधर मेरी सुपर पेन की है। रेडी है? 1 2 3 पता है मुझे गरम गरम उसमें हाथ डालना बहुत क्या कर रही हो? पता है जब बाबा आए थे ना तो मम्मी ने ऐसे किया हुआ था तो बाबा एकदम से उसको मम्मी ऐसे घुसा अपनी चारों इंगली ऐसे घुसाई उन्होंने बाबा के सामने और बाबा फिर बाहर से ऐसे देख के ऐसे देख रही थी तो बाबा से ये क्या कर रही हो बेटा तो मम्मी ने अब मुझे ना मेल्टिंग मोम ना मम्मी को बहुत पसंद है ऐसे हाथ पे लगाना ईयर से ऑब्सेशन होते हैं ना सबके जो जो करना पसंद करते हैं कुछ लोगों को मिट्टी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है जब बारिश हो जाती है सबको पसंद नहीं खाने का मन करता है कशिश को पेट्रोल पंप पे जाके बड़ा अच्छा लगता है मन करता है 1 लीटर पेट्रोल पी पेट्रोल की स्मेल बहुत अच्छा मुझे ही गंदी मुझे गंदी लगती है पेट्रोल किसी किसी को मैंने ये भी सुना है किसी किसी को मोजे की जो मतलब जैसे शूज में से जब मोजे उतारते वो वाली स्मेल पसंद किसको आपने सुना है ये मैंने सुना है किसी का और मैं पता है बहुत ताज्जुब में हूं कि कैसे मुझे लगता है एक दूसरे के जो ऑब्सेशंस होते हैं किसी को समझ नहीं आ सकते जैसे डैडी को पेट्रोल पसंद है मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता मैं आपकी बहन से बात कर रहा था तो कहाँ जाकर हो यहाँ अंदर आने की क्या जरूरत थी मेहमान को भी ऐसे घर की बहन जाके आना ना सीधे अंदर घुसा है कोफ्ते मैंने अलग से निकाल के रखे हुए हैं यहाँ पर और यहाँ पर ग्रेवी भी तैयार है बस इसमें डिप करना है गर्मा गर्म मलाई कोफ्ते प्रशांत के फेवरेट अभी हम लोग थोड़ा सा टीवी वॉच कर रहे थे कॉमेडी शो हमें बहुत पसंद है मूवीज वगैरह में 3-4 घंटे लग जाते हैं तो वो तो हम लोग आराम से ही कभी वॉच करते हैं और कभी थोड़ा सा टाइम होता तो उस बीच में हम लोगों को कॉमेडी शो देखना पसंद है और खासतौर से ये कपिल शर्मा शो तो पसंद है हम पुराना एपिसोड देख रहे थे लेकिन मलाई कोफ्ते की रेसिपी मैंने नहीं शेयर करी है आज के वीडियो में वैसे तो मैं कोई ना कोई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ लेकिन मैंने सोचा मलाई कोफ्ते की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है और आप लोगों को काफी पसंद भी आई थी वो रेसिपी तो मैं उसका लिंक या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी वरना आप इंडियन मॉम स्टूडियो मलाई कोफ्ता रेसिपी डालोगे तो मैंने 2 बार शेयर करी हुई है आपको मिल जाएगी बैठो नहीं मैं मुझे अचार भी चाहिए मीठिया वाला ओके गाइस तो रात काफी हो चुकी है रात के बज रहे हैं 10:30 आप लोग बताना आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया वैलेंटाइन डे कमेंट सेक्शन में बताना हम लोगों ने तो इस बार घर पे ही बनाया क्योंकि एक तो संडे था और ऊपर से वैलेंटाइन डे था तो मुझे लगा कि हर जगह ना इतनी भीड़ होगी कि पूछो मत तो मैंने और प्रशांत ने सोचा कि घर पर ही अपना सेलिब्रेट करते हैं और वैसे भी हम लोग अभी इतना घूम कर भी आए हैं तो थोड़ा सा मन भी नहीं था इतना जाने का बाहर तो बस इसीलिए हम लोगों ने घर पर ही सेलिब्रेट किया इसी तरीके से चादर तो बहुत प्यारी है अच्छी लगी है हाँ मुझे अच्छी लग रही है लव लव लिखा हुआ है बड़े से बड़ा फनी बात क्या है इस पे लिखा हुआ है लव ऑटम हाँ और अभी चल रही है
विंटर ऑलमोस्ट जा ही रही है, बस स्प्रिंग आने वाला है। तो ये प्यारा सा हार्ट आपके पास आ रहा है, जब तक ये हार्ट आपके पास आ रहा है तब तक आप लाइक करें इस वीडियो को और मैं आपके कमेंट्स को हार्ट दूंगी इसी तरीके से। तो ये वैलेंटाइन का हार्ट है आप सभी के लिए और बस चलिए मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से प्यारे से वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव, लव यू गाइज, गुड नाइट।